कागज हैं इसके? नहीं है जी। पोल्यूशन वोल्यूशन तो है इसका? पोल्यूशन है। मीठा अंडो पर हेलमेट कहाँ? लगता है हम चौकी के आसपास हैं। ड्राइवर जरा किसी से चौकी का रास्ता पूछना। मैम कोई मिलेगा तो पूछता हूँ। सामने ये पुलिस वाले खड़े हैं, इनसे पूछता हूँ। दीवान जी ये चौकी किधर पड़ेगी? चौकी यहीं है, काम बताओ क्या है। चौकी किधर है जी? काम भी बता देंगे, पहले एड्रेस बताओ चौकी का। हाँ जी तभी तो पूछ रहा हूँ, काम बताओ, चौकी का रास्ता भी बता दूंगा और चौकी के मालिक से भी मिलवा दूंगा। अच्छा जी, चौकी का मालिक भी है कोई? हाँ क्यों ना, आंख उठा के देख साहब, वो खेल रहा। अच्छा तो ये साहब ऑन ड्यूटी गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, इनसे तो मिलना पड़ेगा। हाँ जी मिलो, पर मिलियो संभल के, आदमी एक नंबर का है। बुलाओ उसे। मतलब? मतलब उसे बुलाओ यहाँ। बुला भी देंगे, काम तो बताओ। काम भी बता देंगे, पहले बुलाइए उसे। और ये लोग कौन है? कौन के होते? पकड़े हैं हमने। क्यों, क्या किया इन लोगों ने? इस बात को तो साहब ही बताएंगे जी आकर। ये साहब हैं कौन? बुलाओ इन्हें, पहले इनसे ही मिलती हूँ। लेवा जी नहीं मानती तो मिलवाते हैं साहब से। पर एक बात बताऊ जी, मैं सस्ते में छोड़ दूंगा, साहब बहुत महंगा पड़ जाएगा। जाके बुला के लाओ उसे। लेवा जी नहीं मानी, साहब से मिलवा ही देते हैं। रामपाल सिंह। हाँ जी। हाँ साहब चलना पड़ेगा। अरे की बात हुई यार, अभी तो खेल शुरू हुआ है। बात यह एक मैडम आ रही, वाह पूछ रही, और दो लड़के पकड़ रखे, उन्हें देख लो उनका क्या करना। मैडम कौन है यार, के चाह रही है? पता नहीं कौन है, चौकी का रास्ता पूछ रही। मैं उसे नु कह दिया, मैं मालिक थे ना मिलवा दी मत चौकी के। तो फिर के नु कहने लगी, चौकी के मालिक भी बुला के ले। अरे के काम है, उससे पूछ तो लेता। काम तो मैं पूछा नहीं, वह चौकी का पता पूछ रही। हाँ तो उसे चौकी का पता बता के चलती करता, मैं तो खेल के आऊंगा। ठीक है जी, जैसे तुम कहो। अच्छा क्या हुआ, आया नहीं वो चौकी का मालिक? साहब खेल रहा जी, पोत ले का वगा। आप काम बताओ के है। अच्छा चलो बताओ चौकी किधर है। अजी चौकी भी यही है, थोड़ा इस रोड पर आगे चल के है, पर वहाँ जाके करोगी के? मेरे बिना वहाँ कुछ नहीं होने का, और तुम्हें जो भी कुछ काम हो यही बता दो, यही हो जाएगा। अच्छा तो वहाँ भी तुम्हारे बिना बात नहीं बनेगी, जाओ साहब को बुला कर लेकर आओ। रामपाल सिंह व मैडम बुला रही, और वे पकड़ रखे ना बाइक वाले, उन्हें कह की ना छोड़ दो। उससे कह दे अपना काम करे, कोई काम हो तो बता, नहीं तो पुलिस के काम में टांग अड़ाने के मामले में उसे अंदर कर दूंगा। ठीक है फिर कह दू नहीं। और क्या कहोगा, जा आप मत आइए। ठीक है तू बजा गिल्ली डंडा। देखो मैडम साहब तो आ नहीं रहे, तब मैं कुछ काम हो तो मजे बताओ, मैं सोल्व करूंगा। साहब नू कह रहे अगर पुलिस के काम में टांग अड़ाई तो अंदर कर देंगे। ओह नो। अच्छा ऐसा बोल रहा है वो? हाँ। पूछ कर तो आओ, कौन सी धारा में बंद करेगा वो? ए? धारा पूछ रही? हाँ। तो उसे धारा बता दे 302/2। व्हाट नॉनसेंस, 302/2 ये कौन सी धारा होती है? मुझे कुछ नहीं पता जी, साहब ने मुझे तो यही धारा बताई। अच्छा मैं तुम्हें भी ठीक करूंगी और उसे भी, और तुम लोग जाओ यहाँ से। अच्छा मैडम तुम अपना काम कर लो और हमें अपना काम कर लेने दो, ये जीप छुटेंगे जीप साहब आ जाएंगे, साहब चेक करेंगे एक बार आकर। मैं तुम्हारी नई चौकी इंचार्ज हूँ, इन्हें जाने दो, उसे चौकी लेकर आओ, मैं देखती हूँ साहब को। चलो ड्राइवर। चौकी इंचार्ज? जय हिंद रामपाल भाई, मर गए। अरे यार तेरे पे चौकी इंचार्ज बिना पहचानी गई हद है। वो आके ड्रेस पहनी थी जो मैं पहचानता। तू मेरे सामने घाघरा पैर के लिया, मैं बता दूंगा ये कौन सा अफसर है यार, हद होगी। अरे नेहा
अरे तू, मैं तो यार डर ही गया था, पता नहीं कौन है। जय हिंद मैडम। जय हिंद, कहाँ है तुम्हारा चौकी का मालिक? चौकी के मालिक रामपाल सिंह धामा आपके सामने खड़े हैं। अरे ये तो मुझे यूं ही करूँ जा। ये क्या बदतमीजी है, आपको ट्रेनिंग के टाइम पे यही बताया गया था कि कैसे पेश आते हैं अपने सीनियर ऑफिसर के सामने? अरे यार जय हिंद भी बोल दूंगा, तू इतना क्यों गरमा रही है? ये क्या तरीका है आपका अपने सीनियर से बात करने का? जय हिंद। ये ठीक है, तो मिस्टर रामपाल आप ऑन ड्यूटी गुल्ली डंडा खेलते हो। अरे तू गलत समझ रही है। तू व्हाट नॉनसेंस, ये तू क्या होता है? अरे तू मतलब आप? तुम चौकी के मालिक हो, ऐसे चलती है चौकी? आते जाते लोगों को परेशान करते हो, गैर कानूनी रूप से पैसे वसूलते हो, सस्पेंड हो जाओगे। तू मेरी बात तो सुन, मतलब आप? तुम्हारा ऑन ड्यूटी गुल्ली डंडा खेलने का वीडियो है मेरे पास, मेरे मोबाइल में। एसएसपी साहब को भेज दूंगी, एक मिनट में सस्पेंड हो जाओगे। मैडम जी बात है तो मैं तो पकड़ लिया कान और आगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जैसे तुम कहोगी ऐसे होगा। अच्छा जाओ, तुम पहरे पे जाओ। जय हिंद मैडम। तुम कहाँ चले? Oh, no! तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम जैसे लोगों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रखा है। गलती भी करते हो और सॉरी भी नहीं बोलते हो। जब तक मैं यहाँ हूँ ये तमाशा बिल्कुल नहीं चलेगा। ड्यूटी का मतलब ड्यूटी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मैं सख्त खिलाफ हूँ। तेरे पे जो हो कर लिए, कान पकड़वाना चाह रही है? रामपाल ने कभी अपने माँ बाप के सामने कान नहीं पकड़े, मास्टर के सामने कान नहीं पकड़े, तेरे सामने पकड़ेगा रामपाल कान? तभी तो तुम ऐसे हो। ऐसे कैसे है? ठीक है, रामपाल का इलाके में नाम है नाम, तू चला लिए चौकी रामपाल के बिना। कितना बदतमीज है ये। सही कह रही हो मैडम, बहुत बदतमीज है। इतना बदतमीज मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे आज तक कोई चौकी इंचार्ज इसे सुधार नहीं पाया, इसी बात का तो रोना है। तुम चिंता मत करो, मैं अब यहाँ आ गई हूँ, इसको सुधार कर ही यहाँ से जाऊंगी। अगर मैंने भी इसके कान न पकड़वाए तो मेरा नाम भी नेहा गौतम नहीं। जी मैडम। अभी तक आया नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गया। ये क्या, मैं कॉलेज से बंक मार कर भी टाइम पर आ जाती हूँ, तुम थाली होते हुए भी टाइम पर नहीं आते। अरे यार तू मुझे ठाली समझ रही है? दुनिया तो बूझ मैं कितने काम करूँ। इस दुनिया को तुम ही नहीं चला रहे, पहले तो लेट आने के लिए कान पकड़ो। भाई रामपाल कान पकड़ेगा, कमाल है। अगर रामपाल कान पकड़ता तो रामपाल पढ़ाई ना कर लेता। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें कान तो पकड़नी होंगे अगर मुझे पाना चाहते हो तो। भाई देख यह बात बिल्कुल नहीं चलेगी, एक भौसी पान की निया मैं कान पकड़ूंगा? तुम कितने बदतमीज हो, तुम्हें ख्याल भी है कि मैं बीए कर रही हूँ और तुमने अभी मात्र 10वीं की है, वो भी 2-3 साल में। हाँ तो करी ना, मेरा बाबा कह लगा बेटे जब 10 साल लग जा 10वीं तुझे करनी पड़ेगी। बाबा की इज्जत की निया हमने भी 10वीं करी। हे भगवान, मैं ये कह रही थी हमारी पढ़ाई में भी अंतर है और हमारे घर में भी। अरे भाई घर का अंतर तो तुम्हारे घर आ जाएगा जब ठीक हो जाएगा, और पढ़ाई के अंतर का मैं एक और बढ़िया तरीका बता सकूं, तू फेल हो जा। मेरे 90% नंबर आते हैं, कौन विश्वास करेगा कि मैं फेल हो गई? अरे फेल का कोई विश्वास नहीं कराना होता, अपने आप हो जा। और तू फेल होके तो देख, फेल होने का मजा ही कुछ और है। मैं सीरियसली बता रही हूँ रामपाल, पापा कभी शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। तेरे पापा पे हाँ किसे करवानी है, हमें तो शादी भी तेरे पे करनी है और हाँ भी तेरे पे करवानी है। मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तू सर फोड़ देगी तो फिर भी मेरी हिम्मत देख, जो लड़की मेरा सर फोड़ना चाह रही है मैं उससे ही ब्याह करना चाह रहा हूँ। तो क्यों करना चाह रहे हो तुम मुझसे शादी? ओ तेरे आगे मर जानी रे, सारी छोरी फैल है। ओ तेरे आगे मर जानी रे, सारी छोरी फैल है। तू सोहूरा की हूर परी, तेरा डोरा घना छैल है। सोहूरा की हूर परी, तेरा डोरा घना छैल है। सारी दुनिया देखी छोरे, तेरा ना कोई तोड़ है। दुनिया देखी छोरे, तेरा ना कोई तोड़ है। तू हीरा है अनमोल बड़ा, ना तेरा कोई मोल है। हीरा है अनमोल बड़ा, ना तेरा कोई मोल है। ओ लिख लिया
मेरा दिल पे नाम सच्ची सच्ची बोलता तेरी एक झलक देखण में तेरा आग बच डोलता तेरी एक झलक देखण में तेरा आग बच डोलता तू एक बहा कर दे मर जानी तेरा दीवाना गैल है तू एक बहा कर दे मर जानी तेरा दीवाना गैल है तू सोहूरा की हूर परी तेरा डोरा घना छैल है तू हीरा है अनमोल बड़ा ना तेरा कोई मोल है जाऊं बाट में तू कद आवेगा हाथ में कर लिया से फैसला इब जीण जिंदगी साथ में कर लिया से फैसला इब जीण जिंदगी साथ में करूं ना धोखा खाऊं कसम ये प्यार है ना कोई खेल है करूं ना धोखा खाऊं कसम ये प्यार है ना कोई खेल है तू हीरा है अनमोल बड़ा ना तेरा कोई मोल है तू सोहूरा की हूर परी तेरा डोरा घना छैल है तू करती घमंड ना तू किसी भी बात का टाइम फिक्स कर ले छोरे अपनी मुलाकात का टाइम फिक्स कर ले छोरे अपनी मुलाकात का तेरी मेरी जोड़ी दिमागी तू ही मेरा मेल है तेरी मेरी जोड़ी जमेगी तू ही मेरा मेल है तू सोहूरा की हूर परी तेरा डोरा घना छैल है तू हीरा है अनमोल बड़ा ना तेरा कोई मोल है तू सोहूरा की हूर परी तेरा डोरा घना छैल है तू हीरा है अनमोल बड़ा ना तेरा कोई मोल है फिर रोज की तरह लेट हो लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी मुझे तुम्हारी खुशखबरी मिल गई है तुम पुलिस में भर्ती हो गए हो अरे आज तुम बड़े चुप हो चुप रहने से पुलिस में काम नहीं चलता है वहां बहुत बोलना पड़ता है आज मैं बहुत खुश हूँ बताओ कहाँ चलोगे क्या खाओगे आज मेरी तरफ से ट्रीट है आपके लिए चलो भगवान ने मेरी इतनी तो सुन ली कि तुम्हारी जॉब लग गई अब मैं खुद पापा से बात करूंगी और उन्हें मना भी लूंगी चलो अब बताओ कब मिलोगे मेरे पापा से नेहा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं ये क्या बोल रहे हो रामपाल तुम्हें पता भी है नेहा मुझे माफ कर देना हमने क्या क्या सपने देखे थे तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो ऐसे मत जाओ रामपाल सुनो मेरी बात एक छोटी सी नौकरी मिलते ही तुम मुझे छोड़कर चले गए रामपाल मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी रामपाल कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें तुमने मुझे धोखा दिया है रामपाल तुमने मुझे धोखा दिया है पांच साल हो लिए अब तो इसका ब्याह भी हो गया होगा हो सके बाल बच्चे भी हो लिए हो ओहो इतना गंदा रजिस्टर ये चौकी का रजिस्टर है या बनिए का बही खाता सम्मानित लोगों के नाम और गुंडों के नाम एक जगह मिक्स कर रखे हैं कहीं रेड़ी कहीं खोखा कहीं पैसे ऐसा होता है पुलिस रिकॉर्ड का रजिस्टर मैडम ये सब गड़बड़ रामपाल कराता है हाँ वो तो मालिक है ना चौकी का और कौन कौन है रामपाल जैसे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा चौकी पर कौन कैसा है इलाके में कौन कैसा है बस मुझ पर अपना आशीर्वाद बना के रखना
मैं आपकी इतनी सेवा करूंगा, आप भी खुश हो जाओगे, कहोगे कितना अच्छा सेवक मिला है। ओ मेरा नाम है चचा धर्मेंद्र, मैं तो आ गया चाय लेके चौकी के अंदर, मैं तो सबकी सेवा करूं जी भर कर। ये कौन है? जी मैडम, ये है चाचा चाय वाले, बहुत अच्छी चाय बनाकर पिलाते हैं चौकी पर और सबका मनोरंजन भी अच्छा करते हैं। अच्छा ऐसा है। मेरा नाम है चचा धर्मेंद्र, मैं तो सेवा करूं सबकी जी भर। अच्छा सुरजीत, कोई ऐसा केस बताओ जो हम रामपाल को दें और वो सॉल्व ना कर पाए। अच्छा मैडम। हाँ मैडम, एक केस है भैंस चोरी का, उससे बहुत घबरावा है। भैंस चोरी का केस? ये कौन सा केस है? मैडम बड़ा गजब सा केस है, उसका आज तक कोई सुराग भी नहीं मिला, सबने जोर लगा लिया और रामपाल तो उस केस को छूना भी नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, जाओ वो केस फाइल लेकर आओ, मैं देखती हूँ वो कौन सा केस है। जी मैडम। जय हिंद। जय हिंद। अरे यार, मुझे तेरे से एक बात करनी है। मेरे को तेरे से कोई बात नहीं करनी। अरे यार, मुझे पता तू उन बातों की वजह से मेरे से नाराज है, पर मेरी बात तो सुन। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी, हो सके तो तुम अपना थोपड़ा बंद रखो। ये लीजिए मैडम। देखो ये एक भैंस चोरी का मामला है, ये मैं भैंस चोरी का मामला कितने सारे इन्हें सौंप दो, मुझे कोई और मामला दे दो। चौकी इंचार्ज मैं हूँ या आप? चौकी इंचार्ज तो तुम हो, पर काम तो सब मिलके ही करने हैं। हाँ सब काम मिलजुल कर ही करने हैं, लेकिन जो काम तुम्हें दिया है वो तुम्हें ही करना है। तन्ने दी होगी सलाह? बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, जो काम तुम्हें दिया गया है वो तुम्हें ही करना है। कहाँ चल दिए? भैंस ढूंढन। देखो मैडम कितनी अकड़ है इसमें। मैं इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगी, तुम देखते जाओ। हाँ हेलो शमसू, कहाँ है तू? मैं बाग में आ रहा हूँ, तू जल्दी वहाँ आ जा, ठीक है ना? चाय। हाँ बहुत जल्दी करके। मैडम कमरा कैसा लगा आपको? मैडम जी शाम को खाने में क्या बनवा दूं? क्या? जी मैडम मैं ये कह रहा था शाम को खाने में क्या बनवा दूं? देख लेना जो भी अच्छा लगे। चाय अच्छी थी। जी मैडम। आगे शमसू। जी सर। अच्छा शमसू एक बात बता, वह जो नेताजी की भैंस खुली है वह कहाँ है? अरे वो भैंस तो हमने खोली नहीं और उसका हमें पता नहीं। तो हमने नहीं खोली? क्यों नहीं खोली भाई? अरे पांच चार महीने से तो हमने चोरी ना करी, भैंस ही परेशानी के दिन चल रहे हैं। अरे यार मुझे मत बता वे, मुझे तू आज रात को चोरी कर, दिन में चोरी कर, पर कल तक एक भैंस ला के दे। अरे हमारा क्या होगा? अरे यार तेरा सब ठीक हो जाएगा, हमारा भी सब ठीक हो जाएगा, तू भैंस तो ढूंढ। तू तो चोर होके यार इतना घबरा रहा, हद होगी। तू एक भैंस का जुगाड़ कर दे, मैं तेरी दो खुलवा दूंगा खुद खड़ा होके, और तेरा कुछ खर्चा लगेगा वो भी दे दूंगा, पर तू एक भैंस का जुगाड़ कर दे। जा देख कुछ हो जा तो, मुझे कल तक एक भैंस चाहिए, ठीक है? ठीक है बाबू जी। हाँ चल रहे हूँ फिर। हाँ हाँ देखता हूँ पता नहीं क्या करेगा, चल भैंस का तो जुगाड़ हो गया, सोचता हूँ कहीं जाके, क्यों लफड़े में पड़ूं चौकी में जाके, कुछ बुझेगी तो कह दूंगा भैंस ढूंढ रहा था। नमस्कार दरोगा जी।
मैं हूँ अपना देश पार्टी का जिला उपाध्यक्ष तोता राय। आपसे पहले चौकी इंचार्ज थे द्विवेदी जी, हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। उनके रहते हुए कभी हमें चौकी आने की जरूरत नहीं पड़ी। और आपकी चौकी के जितने पुलिस वाले हैं बता देंगे हम किस तरह के इंसान हैं। जो हमसे मिलकर चलता है उसके लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ते। और जो हमें वर्दी की बुद्धि दिखाता है ना, जैसे पहले मिश्रा जी थे, बहुत बुरे थे, उनका मैंने तबादला करा दिया। और गौतम जी को तो सस्पेंड ही करा दिया था। आप बताओ ना, आप तो यही थे उस समय। कोई मिलकर चले तो ठीक है, नहीं तो मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैडम मैं कुछ नहीं चाहता। मेरे मन में तो आपके दर्शनों की अभिलाषा हुई तो मैं चला आया। आपका हमारा परिचय भी हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाए कि आपके चौकी क्षेत्र में एक छोटा सा सेवक रहता है। मैडम नेताजी बहुत अच्छे इंसान है, इनका प्यार हमेशा इस चौकी पर बना रहता है। और जो वो भैंस चोरी हुई है ना, वो भी नहीं की है। ओहो अच्छा, देखिए नेताजी मैंने अभी चौकी में कार्यभार संभाला है और आपकी भैंस को ढूंढने के लिए एक आदमी को भी लगा दिया है। हमारी भैंस एक आदमी से नहीं ढूंढी जाएगी, आप पूरी चौकी के लोगों को लगा दीजिए जब भी मिलना मुमकिन है। देखो मैडम इस केस को आप गंभीरता से लो, मेरी भैंस ढूंढ दो, नहीं तो मुझे कुछ करना पड़ा तो आपको बुरा लग सकता है। चलता हूँ, प्रणाम। देखो मैडम नेताजी की भैंस आप जल्दी ढूंढ दो, अगर नेताजी से कुछ ऊक चूक होगी ना फिर मुझे मत कहना। साला बड़ा अजीब इंसान है, भैंस की शिकायत करने आया था या मुझे धमकी देने। अरे अब कौन मरायो? आ गया भाई। हेलो। हाँ शाम, मैं बोल रहा हूँ शमशू। हाँ शमशू बता, के आफत आ गई? शाम मन्ने एक भैंस का जुगाड़ कर दिया। ऐ दिन में ही चोरी कर दी? ना साहब, आपकी तो भैंस चुराने वाली स्कीम मन्ने अपने अब्बू को बताई, तो अब्बू कहने लगे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हमारा फर्ज है साहब की सेवा करना। अरे वो तो ठीक है, पर न्यू बता भैंस का के रहा? अजी अपनी वाली भैंस लेकर आ रही हूँ, वो 4 लीटर दूध भी देवे। अच्छा अच्छा चल ठीक है, आ जा। हाँ तो कहाँ लेकर आना? अरे चौकी की ओर को आ जा, मैं तुझे रास्ते में मिलूंगा। अजी मेरे चौकी की लब आना ठीक ना, कहीं दरोगा जी ने वहीं बैठा लिया तो। अरे यार डरे मत, मैं हूँ ना। ठीक है जी ठीक है। आ जा आ जा। ले भाई यू मामला भी सॉल्व हो गया है। अरे आखिर रामपाल किस चीज का नाम है, इसे अभी पता नहीं है, बनी फिर है चौकी इंचार्ज। चलो हाँ चले चल 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 लूंगा चल, यहाँ ले आ, यहाँ बांध दे। भाई मेरे पापे खा जाएगी, कहाँ बंधवा हुआ है ऐसे? अरे कौन पापे खा रहा, चल वहाँ बांध दे, वहाँ बांध दे। अरे भाई मेरा भूस खा जाएगी। कुछ भूस ना खा रही, बैठ जा आराम से। खा जाएगी तेरा भूस यू कबाड़ा, बैठ जा, बांध दे बांध दे। भैंस 4-5 लीटर दूध दे रही, टाइम से काट लियो। हाँ ठीक है काट लूंगा। अरे वाह, तुमने भैंस तो ऐसे ढूंढ दी जैसे चोरी करके तुमने ही कहीं बांध रखी थी। ये कौन है? यू ही तो ले आया भैंस। मतलब जहाँ तक मन्ने पकड़ी है मैं तो मोटरसाइकिल लाया हूँ, भैंस तो यू ही लाया खींच के। हेलो अच्छा और चोर कहाँ है? अब मैं अकेला चोर पकड़ता, भैंस संभालता, के करता। मन्ने सोचा चोर तो हम कभी भी पकड़ लेंगे, भैंस संभाल लू। मैडम एक बार इस आदमी से पूछताछ कर लो। ए इधर आओ, नाम क्या है तुम्हारा? इसका नाम है सतीश। इसे बुलाओ। क्यों? पूछताछ होगी इससे। इससे पूछताछ क्यों होगी? एक तो इसने मेरी मदद करी और तुम इसे पूछताछ में फंसा दो, इसलिए तो आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता। अरे पहले मदद करो फिर उसे पूछताछ में फंसा दे। खास तौर से कोई पुलिस की मदद नहीं करता क्योंकि फिर उसे बाद में परेशानी भुगतनी पड़े। अरे इसे बुलाओ तो सही, इससे बात करनी है मुझे कुछ। के बात करनी है? बात हमने कर रखी है, हमने भेज दिया यू।
मैडम। अरे ज्यादा कान में ना बड़े, भैंस वाले को फोन कर दे, उसे बुला ले या जाके बुला ला, वो भी तो तेरा खास ही है नेता। देख लो मैडम अब। चलो कोई नहीं, आप भैंस वाले नेताजी को फोन कर लो। ठीक है मैडम। सुनो वो गांव में बंटवारे का क्या मामला है, तुम वहाँ चले जाओ। बंटवारे पे जावे तो है 2 महीने तक, यू ना होने दे रहा, नहीं तो बंटवारा हुआ 1 मिनट में। इसे चाहिए दलाली और वहाँ भी दोनों उड़ते। झूठ मत बोले, मैं तो चाह रहा हूँ उनका बंटवारा सही हो जावे, पर उन लोगों के मन में बेईमानी है, इसलिए नहीं हो रहा बंटवारा। अच्छा बेईमाना उनके आ रहा तेरे आ रहा, छोड़ इस बात को। तो अब मैं जा रहा हूँ, देख रामपाल करता है बंटवारा। हाँ भाई बताओ थारा के मामला। अजी हम दोनों भाई न्यारा होना चाहते हैं। हाँ तो हो जाओ, रोक कौन रहा, दुनिया होए? रोक तो हमारे माँ बाप रहे हमें। ए ताऊ तू क्यों रोक रहा, या तो समाज की एक रीत है, सभी होते आए ये भी हो जाएंगे। मैं न्यारे हो जा सोबर। हाँ। इस बात में मने कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और हम दोनों को इस जायदाद का तीसरा हिस्सा चाह। बिल्कुल सही बात है, तीसरा हिस्सा होना चाहिए। अजी तीसरे हिस्से का के करेंगे, ये 1 करोटी यू दे देगा, 1 करोटी मैं दे दूंगा। क्या बात है क्या बात है, ताऊ जी नमन है आपको, क्या महापुरुष पैदा करे हैं आपने। ओहो एक मिनट दीवान जी, यू फैसला सा निमटवाओ, इनको रोटी मैं ही दे दूंगा, तीसरा हिस्सा मुझे दुआ दो। अरे तुम्हें भी दे दूंगा 50,000 रुपए। देखो ताऊ जी थारा यू होनहार बेटा कह रहा है, अब दोनों को रोटी यू दे देगा। दीवान जी एक मिनट, ये माँ बाप है हमारे, रोटी देने में क्या दिक्कत है, रोटी मैं दे दूंगा, ये तीसरा हिस्सा तुम मेरी तरफ करवा दो। अरे मैं फ्री में ना कह रहा, 75,000 तुम्हें दे दूंगा। ताऊ ये तो आपके दोनों सपुत्र आपको रोटी देने को तैयार है, पर ये है अगर आप इन्हें अपना तीसरा हिस्सा देते हो। अजी तीसरा हिस्सा यू क्यों लेगा, मैं लूंगा, मैं बड़ा हूँ। तू कैसे लेगा, मैं छोटा हूँ, मैं लूंगा। यो तीसरा हिस्सा इन दोनों मत मैं कोई से को भी दे दूं, ये उसे खा जाएंगे फिर मारा मारेंगे लात। दीवान जी इन पे मने बिल्कुल भी भरोसा नहीं। जो तीसरा हिस्सा मारे दौरे रहेगा और जो इनमें महरी टहल करेगा यो हिस्सा हम उसे दे के जाएंगे। ओहो हो मतलब तीसरा हिस्सा है इनका ही, ये पक्का है? सब इनका ही है, हम के छाती पे धर के ले जाएंगे। ओहो हो वाहरी मोहमाया, धन्य है माँ बाप इस दुनिया में। अरे मूर्खो तब माँ बाप तो न्यारा होना चाह रहे हो, माँ बाप न्यारे होने की चीज है, माँ बाप पूजने की चीज है। हमारे देश में श्री राम जी हुए हैं जो अपने माँ बाप के कहने से 14 साल के लिए वनों में चले गए थे। हमारे देश में श्रवण कुमार हुए हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को कंधे पे बैठा के और चारों धाम की यात्रा कराई थी। हमारे यहाँ पुरु हुए हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को अपनी जवानी दे दी थी। हमारे यहाँ नचिकेता हुए हैं जिन्होंने अपने माँ बाप के कहने पर अपना शरीर दान दे दिया था। इन सब पुत्रों को दुनिया पूजती है। मुझे तुम एक भी पुत्र ऐसा बता दो जो न्यारा होया हो और उसकी पूजा होती हो। अरे मूर्खो हमारे देश में तो भाई जैसा कोई नाता नहीं है। ये कहावत भी है कि भाई मारेगा तो छामे गिरेगा, और तुम भाई भाई न्यारा होना चाहते हो। हमारे यहाँ तो भीम हुए हैं, अर्जुन हुए हैं, लक्ष्मण जी हुए हैं, भरत हुए हैं, जिनका भाई प्रेम आज तक पूजा जाता है। ऐसे अनेकों अनेक भाई हुए हैं जिनको आज तक दुनिया भाईचारे की वजह से पूजती है। और तुम किससे न्यारा होना चाहते हो जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया
और अब सारी जायदाद तुम्हें दे के चले जाएंगे, उनसे न्यारा होना चाहते हो? माता जी पिताजी हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो माता जी पिताजी, गलती हो गई हमसे। भाई 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 बेटा रुक जा, कुछ खा पी के जाइए। पिताजी हमें माफ कर दो, हमें ये नहीं पता थी, माँ बाप से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। माँ माफ कर दे, हम न्यारे नहीं होंगे। पिताजी हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम कभी न्यारे नहीं होंगे। पिताजी वेरी गुड वेरी गुड। अरे भाई सुरजीत पाल जी बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़ी सेवा करते हैं। मैं कई चौकियों में रही पर इनके जितना सेवक मैंने कहीं नहीं देखा। यही तो खूबी है जिनमें। अजी मैडम जी अभी मैंने सेवा करी ही कहाँ है, अभी तो आप देखते जाओ। ए भाई कर दिया ना नास, मुझे न्यू बता दो बस एक मिनट रुक के, अकियु दूध कहाँ ते आया है? इतने दिन तो मुझे भी चौकी में हो गए, आज तक दूध तो आया नहीं, हम तो चाचा की चाय पीवे, यू दूध कहाँ ते आया आज? ये दूध सुरजीत पाल जी लेकर आए हैं। हाँ मुझे पता था इसने मेरी भैंस का काट दिया होगा, चमचा ना यू, न्यू जबरदस्ती पाल लगाने तक सुरजीत पाल ना हो जाते हैं, पाल तो ऐसे हो जैसे रामपाल। पहले तो तुम तमीज से बात करो। तमीज? तमीज तो तमे होनी चाहिए, तमे तो दूध पीने की भी तमीज नहीं, दूसरे की भैंस का दूध काट के पी रहे हो। अरे तुम थे नहीं, दूध का टाइम हो रहा था, किसी न किसी को तो दूध निकालना ही था। तो यू काट देगा मेरी भैंस का दूध? ये भैंस तुम्हारी कैसे हुई? भैंस मन ने पकड़ी, केस मन ने खोला, न्यार मैं लाऊं तो भैंस किसकी हुई? भैंस खोजने से वो तुम्हारी हो गई क्या? तो खोजे करो ना, अब के जिसने मेरी भैंस के हाथ लगा दिया उसे मैं देख लूंगा। तो क्या कर लोगे? तो मैं उसकी चमचागिरी काट दूंगा, चमचागिरी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते, क्या बात है? आपस में पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे। क्या झगड़ा कर रहे थे? अजी झगड़ा, मैं उनसे बात कर रही हूँ, आदमी तो हमेशा फालतू बोलने की कोशिश करता है। उसका आदमी वो है, मैं ना हूँ, जो कुछ कहना उस तक है। मैं उसी से कह रही हूँ, लेकिन तुम्हारे काम भी आएंगी, तुम भी सुन लो। जो मेरे काम आऊंगी वे बात मुझे अच्छी ढाल पता है, यू ज्ञान ही नहीं थे। हाँ हाँ ठीक है, तुम बताओ क्या बात है? ये बदतमीजी से बोलता है और मार पिटाई करता है जी। बदतमीजी से बोलना और मार पिटाई करना इन जाहिलों का पहला काम है। उस जाहिल का अजी हमेशा फालतू बोल रहे आयु। फालतू बोलना तो जने इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे इन्हें पता कुछ ना हो। अच्छा अगर ये थोड़ा बहुत फालतू बोल भी जाती है तो मार पिटाई की क्या जरूरत है? तुम इसका कहा नहीं मानते होगे, चीजें नहीं ला कर देते होगे। अजी मैंने तो अपने घर का सारा सिस्टम ही इसे सौंप रखा। अच्छा तो तने घर की इंचार्ज बना रखी है? अरे जब लुगाई को इंचार्ज बनाओगे तो नाश तो होगा ही। नाश नहीं होता, सुधरता है। जैसे एक औरत चला सकती है वैसे एक मर्द नहीं चला सकता, देख तो रही हूँ मैं यहाँ। ए जी यही तो मैं कहती हूँ, इसी बात पे झगड़ा होता है हमारा। बकवास कर रही है, ऐसी कोई बात का झगड़ा ना जी, ऐसा मारवा रैप का ठीक कर दूंगा। ओ पहलवान ज्यादा ना बोले, अभी थमले के लगा के ठीक कर दूंगा, सुझा दूंगा पिछवाड़ा, चौकी में खड़ा तू, जब हम बात कर रहे हैं। देखो जी ऐसा करता है ये, अंदर कर दूं तुझे, ठीक हो जाएगा जब सुबह शाम रिमांड पर रहेगा। अजी आप मालिक हो, जो मर्जी कर लो, पर मैं आपको एक बात बता दूं, इसे लोग सिखावे और सीख माने। अरे भैया ये समस्या तेरी गैल नहीं है, हर जगह है, कान भरने वाले सिर पे ही खड़े रहते हैं। अजी ऐसी बात नहीं है, मुझे पता चल गया है, ये मुझे छोड़ना चाहता है और दूसरी देख रखी है इसने। अब आई बात निकल के, दूसरी में तो इनका इंटरेस्ट होता ही है। हाँ भाई भाई क्या कह रही है? अजी बहम करे है मेरे पे यू। क्या है बहम करना ही तो आवे, और बह क्या? अजी मैं कितनी बढ़िया बात कर लूं, यू बिल्कुल नहीं हंसती, और पड़ोसी चाहे लीड कर दे दांत पार कैसे। ए क्या कहता है ये तुझसे खुश नहीं है? अजी मुझसे यू ही खुश ना है, बाकी सारा मोहल्ला खुश है मुझसे। तो तुम चाहती क्या हो, इसको अंदर कर दूं और डंडे लगवाऊं? अजी अंदर मत करो, चाहे दो डंडे मार लो। देखा तुम्हें कितना प्यार करती है। हाँ बहुत प्यार कर रही है, डंडे बजवाना चाह रही है, यू बहुत बढ़िया प्यार है।
चलो जाओ, तुम्हारा कोई मामला नहीं है। प्यार से रहा करो, झगड़ा मत किया करो आपस में, ठीक है? अजी ये मेरी अलमारी की चाबी नहीं देगा तो मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और तुम इनकी चाबी क्यों नहीं देते हो? अजी चाबी वहीं दे रही है, मैं क्या करूँगा इसकी चाबी का? ठीक है तुम जाओ, ये तुम्हारी चाबी दे देगा। ये ऐसे ही टाल देगा, देगा नहीं। अच्छा तुम जाओ, इनकी चाबी दिला कर आओ। चाबी भी मैं ही दुआ का हूँ, कोई और ना है के यहाँ? कौन है? सुरजीत मेरे साथ जाएगा और राजवीर सिंह के बस की नहीं है। हाँ भाई, कैसे चलोगे? अजी आप इन्हें लेके चलो, मैं पैदल ही आ रहा हूँ। अरे मैं इसे कहाँ ले फिरूंगा, तू गैल आ जा। ओ भैया तू पैदल चला जाइए, मैं इन्हें ले जा रहा हूँ। ठीक है तो मैं चला। हाँ, चल। फड़ा ठीक है। अबे रुक जा जल्दी ना मचावे। बैठो बैठो, बैठ जा जल्दी, गर्मी बहुत हो रही है। बैठ ले, आ जा। राम राम दीवान जी। राम राम दीवान जी। राम राम। ऐ सुखी करसानी ठाबुस और ठागोबर इसका। तुम अपनी चाय बनाओ। अरे हम तो अपनी चाय बना रहे। ऐ सुन, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको भैंस बीमार मिले। आइए नेताजी आइए। नमस्कार। आए जी आए, और सब बढ़िया दीवान जी? हाँ बढ़िया जी, आपकी कृपा है। देखो मैंने आपका काम करा दिया। अरे वाह, कमाल कर दिया। अजी हमारी इंचार्ज बहुत अच्छी हैं, मैंने उनसे आपकी बड़ी तारीफ करी, कहा कि नेताजी इस इलाके के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी भैंस मिलनी ही चाहिए। मैडम ने सबसे पहले आपका केस सोल्व करने की बात कही, सख्त आदेश दिए कि सबसे पहले नेताजी की भैंस मिलनी चाहिए, बाकी सब काम बाद में। अच्छा जी, आपकी इंचार्ज तो वाकई बहुत अच्छी है। देखिए नेताजी आपकी भैंस। ये है हमारी भैंस? ये हमारी भैंस नहीं है। तुम पुलिस वाले पागल हो गए हो या हमें पागल मान रहे हो? ये हमारी भैंस नहीं है तो नहीं है। ये आपकी भैंस नहीं है? हाँ ये भैंस हमारी नहीं है। और तुम पुलिस वाले कब से दो नंबर का धंधा करने लगे? अजी हमारा एक हवलदार है, पता नहीं वो क्या क्या करता है। हमें मूर्ख समझ रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ? नेताजी सुनो तो सही, गुस्सा मत करो। तुम्हें पता है ना, मैं पूरी चौकी को सस्पेंड करा सकता हूँ। ये जो तुम सब कर रहे हो ना, बहुत भारी पड़ेगा, ध्यान रखना। क्या बात है सुरजीत? अजी मैडम इस मूर्ख ने ऐसा काम कर दिया, हम सब फंसेंगे। क्या किया है उसने? ये भैंस नेताजी की नहीं है। तो किसकी है? पता नहीं किसकी खोल कर ले आया। मैं भी तो कहूँ, ये मामला इतनी जल्दी सोल्व कैसे कर दिया इसने? इतना अनाड़ी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जी मैडम जी, इसका कुछ करो वरना करेगा ये, भरेंगे हम। इसको तो मैं ठीक कर दूंगी, कहाँ है ये? उसकी आपने ही नाइट ड्यूटी लगा रखी रोड पर। ओके मैं सुबह बात करूंगी उससे। अरे के कर लेगी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे भाई रामपाल सिंह, चौकी इंचार्ज है, बिगाड़ लेगी, तू समझ ले इस बात को। चौकी इंचार्ज है? अरे चौकी इंचार्ज तो है, कौन सा प्रधानमंत्री बन गई? और तू जानता नहीं रामपाल हमेशा अपने हिसाब से काम करता अपने ते। नू तो मुझे पता करेगा तो अपने हिसाब से ही, पर तू मुझे एक बात बता। हाँ बूझ। अरे मैडम तेरे ते इतनी क्यों जले? तेरे ही पीछे पड़ी रहे, और तो किसी को कुछ कहती नहीं। अरे मत बुझे राजवीर सिंह, मत बुझे, ये पुराने मसले इन्हें मत उगाड़े। अच्छा तो पुरानी रंजिश है, किसी थाने चौकी में गैल रहे के पहले कदी? अरे नहीं, थाने चौकी में नहीं रहे। फिर भाई तू नहीं मान रहा तो ले मैं बता ही देता हूँ, या मेरे ते ब्याह करना चाह रही थी। अच्छा रे। हाँ, और मेरे आग गया बहुत गिड़गिड़ाई, पर मैं नाट गया। अच्छा तो यह रंजेश है भाई रामपाल, उसकी कोई गलती नहीं, कहीं जख्म भारी दे रखा। अरे किसके आफत आ गई, कौन मरया? हाँ हेलो। अजी मैं बोल रहा हूँ शमशू। हाँ बोल, के बात? अजी वो जो भैंस चोरी हुई थी मिल गई। अच्छा 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 अब बता कहाँ मिल गई भैंस?
अजी जिसने भैंस खोली थी वो यूं कह रहा है कह मेरा नाम गुप्त रहवे और साहब मुझे कुछ ना कह मैं भैंस दे दूंगा। ओके अच्छा या बात है तो कोई बात नहीं। अरे तू एक बार काम करवा, हम तो नाम भूल जाएंगे। उसका नाम के था उस त्यू बूझ ले भैंस कद ला रहा। पर अजी भैंस तो वो ना लाने का, भैंस तो मजे ही लानी पड़ेगी। तुमसे वो बहुत डर रिया। अच्छा साले भैंस चोरी इतने डरपोक लोग करते हैं हमें पता ही नहीं था। कद ले आऊंगा भैंस। अजी तुम कहो तो मैं अभी ले आऊं। मैं उसके घेर में भैंस के पास ही बैठा हूँ। अच्छा 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 हाँ तो ले आ, और चौकी से थोड़ा सा पहले रुक जाइए। ठीक है जी। ठीक है राजवीर सिंह तेरनिया के लेके आऊं। लाऊं के मतलब तू कहीं जा रहा? हाँ। अरे यार इस सुनसान जंगल में छोड़ के तू मजे जा रहा? जी जंतर पाइट देगा यहाँ से। सो बात। अरे यहाँ कौन से चित्ते बगेरे आ रहे? कमाल कर रहा है यार तू भी राजवीर। अरे यार चित्ते बगेरे ना आए, अंधेरा तो है। सो क्यों जो क्यों तू कहीं माल बनाने जा रहा के? आपदा ना दिए घाट दे दिए पर ले चल गए। भाई भगवान की कसम मैं कहीं माल नहीं बनाने जा रहा। एक मसला सा अड़ज रहा, मैं उसे सुलझाने जा रहा हूँ। वहाँ तेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे भाई रामपाल तू दुनिया के मसले हल करवा, एक मेरा भी करवा। ठीक है करवा देंगे, बता। भाई मेरे सिरे कर्जा चार है बालक, और भाई तनखा में कुछ काम चलता नहीं। तू कहीं तो 2-1 लाख का जंप लगवा दे। ठीक है भाई तेरा 2-1 लाख का जंप लगवाते हैं। पहले मैं एक बार हो जाऊं, फिर तेरे जंप के बारे में भी सोचते हैं। देख याद रखिए। पक्का। ए भाई राजवीर मुझे एक बात बता, इतनी महंगाई में लोग 2-2 बालक कर रहे हैं, तेरे 4 की क्या लगी थी? अरे यार तू बालकों की ठा के बैठ गया, वो तो काम मैं कर दिया। पर तजे जो कुछ कहे तू वो करे ने। बस ठीक है तन्ने वो कर दिया तो इसे हम करेंगे। हाँ। अब मैं आया फिर करते हैं। हाँ बिल्कुल कर तो दे गई हूँ। हाँ तो भर लीज ने समसू। कहाँ है भैंस? ये बंदरी साहब भैंस है की? हाँ जी। चल तू लेके आ, मैं माहौल सा देखता हूँ चल के। ठीक है ना, आ जा। रामपाल को फोन करूं? ना 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 रामपाल तो मरवा देगा। राजवीर को फोन करता हूं। राजवीर भाई चौकी पे आ जा, डर लग रहा है, पता ना कौन है यहाँ। बहुत ज्यादा हट हो रही। चुप 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 चाचा रात की एक बात बताऊं। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाचा बात तो सुन लो रात की मेरी।
रातिया भूत था चौकी में। भूत राजा बाहर आ जा, भूत राजा बाहर आ जा। चाचा तुम अपना गाना सूझ रहा, रात दम निकला रहा चौकी में मेरा, बाथरूम में बढ़ गया मैं। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे रामपाल हरे रामपाल। चाचा तुम मेरी कहानी तो सुनना रहे, तुम अपने मजे में आ रहे हो। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, वो तेरे सपनों की रानी बनेगी। चाचा तुम ना सुनना मेरी कुछ भी। जा जल्दी भाग जा, ओए जा जल्दी भाग जा। नहीं चाचा नहीं। मैडम से मार खाएगा। नहीं चाचा नहीं। बहुत मार खाएगा। जय हिंद मैडम। जय हिंद। लीजिए मैडम जी पानी। अरे भाई सुरजीत सिंह, दूध का क्या रहा, भैंस तो यही है ना। हाँ जी मैडम जी, भैंस तो यही बंद रही है। आज तो उसने सुबह सुबह दूध भी काट लिया और देखो अभी तक ड्यूटी पर नहीं आया। अरे वो रात की ड्यूटी पर था ना, तो शायद उसे सुबह टाइम लग सकता है आने में। हाँ जी मैडम, मैं भी यही कह रहा हूँ, सुबह सुबह टाइम तो लगता ही है। जय हिंद। जय हिंद। ये क्या, ड्यूटी पर किस टाइम आओगे? मैं ड्यूटी पे ही हूँ, भैंस का न्यार लेने जा रहा हूँ, पुलिस की ड्यूटी कर रहा हूँ। न्यार लाना पुलिस का काम है क्या? जब भैंस ढूंढना पुलिस का काम है, चुपचाप उसका दूध पीना पुलिस का काम है, तो उसको न्यार गेरना भी पुलिस का काम है। अगर उसे न्यार नहीं गेरेंगे तो मर नहीं जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है। भैंस से याद आया कि वो भैंस वाला नेता यहाँ हंगामा करके गया था कि वो भैंस उसकी नहीं है। कौन चोट कह रहा उसकी भैंस नहीं है? मैं कह रहा हूँ उसकी भैंस नहीं है, वो खुद शिकायत करके गया। तो मिस्टर CH तू उसे मेरे सामने बुला ले, अगर वो मेरे सामने नाट गया भैंस उसकी नहीं है तो मैं यहाँ नौकरी छोड़ दूँ। छोड़ दे नौकरी, वो खुद मना करके गया। हाँ मैं कहते रहे हूँ, उसे दोबारा बुला ले मेरे सामने। अरे के सोचन लगा? मैं सोच रहा हूँ तू अपनी बात से मुकर मत जाइए। कौन सी बात है? अरे नौकरी वाली। हाँ हाँ मैं नौकरी छोड़ दूंगा, पर भैंस उसकी पाई ना तो तू छोड़ दिए। हाँ छोड़ दूंगा। हाँ ठीक है, तो इस्तीफा लिख के जेब में धर ले, मैं न्यार लेके अभी आया, तू नौकरी छोड़ने के लिए तैयार रहिए। तुम उस भैंस वाले को फोन करके बात करो। जी मैडम। इस पे मैम साइन कर दीजिए। अरे भाई छत्रपाल, दूध का क्या रहा? अजी दूध तो वो सारा पी गया। इतना दूध वो अकेले पी गया? जी मैडम, खुद भी पी गया, इन पुलिस वालों को पिलवा दिया। सभी पुलिस वालों को पिलवाया था उसने दूध? नहीं मैडम, आपको और मुझे नहीं पिलवाया। हाँ हाँ हम ही तो उसके दुश्मन है ना। चलो चाय ही पिलवा दो। तुमने पुकारा और हम चले आए, बड़े बड़े गिलास में चाय भर लाए। भूरी भैंस के दूध में पत्ती लगा लाए। तुमने पुकारा और हम चले आए, हम चले आए। तुमने पुकारा और हम चले आए। ओए कौन है तू? मैं कल तक तेरी निगाह में हूँ, एक भरोटा तन्ने कल काटा और एक आज बांध रखा। एक मिनट रुक जा, मैं तुझे देखूंगा। रुक जा रुक जा। गेरी से गेर गेरते से गेर गेरते। साले रामपाल का भरोटा खींचना खोद कर जमीन में गाड़ दो। साहब आप मेरे खेत में चोरी कर रहे? हाँ और तुझे दाबने के लिए तो ज्यादा गड्ढा भी ना खोदना पड़ा, इतने से मैं दब जाएगा। Oh, no! साहब आप चोरी कर रहे हैं मेरे खेत में? अरे चोरी क्यों करता, मैं भरोटा लेके जा रहा था। अजी सब कहने का ही फर्क है, अगर पुलिस वाला किसी का सामान उठा के ले जा रहा तो उसे ले जाना कह दें, और कोई आम आदमी किसी का सामान उठा के ले जा रहा तो उसे चोरी कह दें। क्या मतलब है तेरा? अजी मेरा मतलब है आपने क्यों परेशानी उठाई, आप मुझे बता देते मैं भरोटा चौकी में गिर जाता। अरे तुझे पता नहीं है अभी पुलिस में रह के क्या क्या काम करने पड़ते हैं, तुम्हें तो न्यू लगे। अजी ये बात तो ठीक है, चाचा के हाथ में फावड़ा भी पटबीज ना लगे। सही कह रहा है। और सुना तेरा क्या चल रहा है? अजी महारा तो ठीक चल रहा, पर कदी कदाक दो घूंट पी लूं तो जब गड़बड़ हो जा। तो मत पिए करे, तेरे पे कौन सा झिलती होगी। अजी यू तो बात है, मेरे पे दो घूंट झिलते भी तो ना, दो घूंट पीते ही मेरी टांग ऊपर हो जा, फिर मैं घरवाली उठा दूंगा। क्या बक रहा है तू?
अजी मेरा मतलब है फिर उससे मेरी लड़ाई हो जा। अजी तुम सारी बात छोड़ो, ये बताओ तुम मेरे खेत में आए, मैं थारी के सेवा कर दूं? अरे सेवा पेवा छोड़, तू यू भरोटा उठवा दे। ठवाने की छोड़ो, तुम कहो तो मैं चुपकी में फेंके हूँ। अजी यू मत देखो, जान बहुत है मेरे में, देख लो थोड़ी जगह में ठाट सारे। चला जा उठवा दे, आदमी बढ़िया यार तू। रुक जा एक मिनट, यू भी तो टेकना पड़ेगा, अक वैसे ही ठाना। चल छोड़ दे। तो मैं पता मन नहीं भरोटा क्यों ठवा दिया कि पुलिस आवे तो कुछ ना कुछ तो लेके उठे, इससे पहले ही कुछ और लेके उठता, मन ने इसे भरोटा ही ठवा दिया।